दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट बनवाने के लिए कैसे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं, जब आप दिल्ली सिविल डिफेंस और आप अगर अदर जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो बने रहिए इस वीडियो के एंड तक, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप डिटेल में बताऊँगा सर्टिफिकेट अप्लाई करने के लिए फॉर्म को कैसे फिल करना और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको कोई भी एक ब्राउज़र ओपन कर लेना है और आपको यहाँ पर टाइप करना है दिल्ली पुलिस। दिल्ली पुलिस टाइप करने के बाद आपको सर्च कर देना है। जब आप सर्च कर देंगे तो आपके सामने न्यू पेज ओपन हो जाएगा और आपके सामने जो पहली वेबसाइट शो हो रही होगी इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जब आप इस वेबसाइट पर क्लिक कर देंगे आपके सामने न्यू पेज ओपन हो जाएगा। आपको इसको थोड़ा स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा सिटीजन सर्विस, आपको शो हो रहा होगा सिटीजन सर्विसेज, इस ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। जब आप सिटीजन सर्विसेज पे क्लिक कर देंगे तो आपके सामने न्यू पेज ओपन हो जाएगा। आपको इसको थोड़ा स्क्रॉल डाउन करना है। नीचे आपको एक ऑप्शन शो होगा पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट का, ये आप देख सकते हैं ऑप्शन आपको शो हो रहा होगा पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, इस ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। जब आप इस ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे तो आपके सामने न्यू टैब ओपन हो जाएगा। आपको इसको थोड़ा स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पे आपको तीन ऑप्शन देखने को मिलेंगे, एक लॉगिन का, एक रजिस्टर का, एक पीसीसी कंफर्मेशन स्टेटस का। आपको यहाँ पे सेकंड ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा रजिस्टर का, आपको इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जब आप रजिस्टर पर क्लिक कर देंगे तो आपके सामने न्यू टैब ओपन होगा। आपको इसको थोड़ा स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पे आपको ईमेल आईडी फिल करने को कहा जाएगा। यहाँ पे आपको अपनी ईमेल आईडी फिल कर देनी है। चलिए मैं अपनी ईमेल आईडी फिल कर देता हूँ। जब आप अपनी ईमेल आईडी यहाँ पे फिल कर देंगे आपको नीचे एक ऑप्शन मिलेगा सेंड बी वैलिडेशन कोड, इस ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। जब आप क्लिक कर देंगे तो आपके सामने न्यू पेज ओपन हो जाएगा और आपको नीचे एक ऑप्शन मिलेगा वैलिडेशन कोड, यहाँ पर आपको अपना वैलिडेशन कोड फिल कर देना है जो कि आपके मेल पर सेंड किया जाएगा, जो आपने यहाँ पे फिल की है। आपके मेल पे एक ओटीपी आएगा, वो आपको यहाँ फिल करना है। चलिए मैं आपको अपनी मेल खोल के दिखाता हूँ मेरे किस तरीके से आपके मेल पे ओटीपी आएगा। आपकी मेल पे इस नाम से DPPCCSB नाम से एक वैलिडेशन कोड आएगा, आप देख सकते हैं, और आपको इस मेल पे क्लिक करना है। अब जब आप इस मेल को ओपन करेंगे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको एक वैलिडेशन कोड दे रखा होगा जो कि 6 डिजिट का है। इसको आपको कॉपी करके वहाँ पे पेस्ट कर देना है। अब आप उस कोड को यहाँ पे फिल कर देंगे, उसका नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा सबमिट का, इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब आप सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने न्यू पेज ओपन हो जाएगा और आपको एक छोटा सा फॉर्म देखने को मिलेगा। आपको इसे फिल कर देना है। मैं बता देता हूँ आपको इसमें क्या क्या फिल करना है। आपको यहाँ पे सबसे पहले ऑप्शन मिलेगा का, यहाँ पे आपको यूजर टाइप सेलेक्ट कर लेना है जो कि सबसे पहले मिलेगा इंडिविजुअल का, इसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। इंडिविजुअल सेलेक्ट करने के बाद नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा नेम का, यहाँ पर आपको अपना नेम फिल कर देना है। इस ऑप्शन में नेम फिल करने के बाद नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा पासवर्ड का, यहाँ पर आपको एक पासवर्ड क्रिएट कर लेना है। पासवर्ड फिल करने के नीचे आपको मिलेगा कंफर्म पासवर्ड का, एक बार और यहाँ पे आपको पासवर्ड फिल कर देना है। नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा मोबाइल नंबर का, यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर फिल कर देना है। उसके बाद थोड़ा और स्क्रॉल डाउन करेगा, नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा कैप्चर का, ये कैप्चर आपको इस वाले कॉलम में फिल करके पे क्लिक कर देना है। जब आप साइनअप पर क्लिक कर देंगे तो आपके सामने लॉगिन पेज ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी फिल कर देनी है जो अपने फॉर्म में जो आपने रजिस्टर करते समय फिल की थी, और यहाँ पे जो आपने जो पासवर्ड क्रिएट किया है वो आपको पासवर्ड यहाँ फिल कर देना है। नीचे आपको मिलेगा कैप्चर, ये आपको नीचे वाले कॉलम में फिल करके सिंपली लॉगिन के बटन पे क्लिक कर देना है। जब आप लॉगिन पे क्लिक कर देंगे तो आपके सामने एक छोटा सा फॉर्म ओपन होकर आ जाएगा। चलिए मैं आपको बता देता हूँ इस फॉर्म को आपको कैसे फिल करना है। सबसे पहले आपको ऑप्शन मिल जाएगा आपके नेम का, यहाँ पर आपको अपना नेम फिल कर देना है। उसके बाद आपको नेक्स्ट ऑप्शन मिलेगा आपके फादर नेम का, यहाँ पे आपको अपना फादर नेम फिल कर देना है। नेक्स्ट ऑप्शन आपको नीचे की ओर मिलेगा डेट ऑफ बर्थ का, यहाँ पे आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करके डेट ऑफ बर्थ फिल कर देनी है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन मिलेगा आपको एड्रेस ऑफ एप्लीकेंट, यहाँ पे आपको अपना पूरा एड्रेस फिल कर देना है जो कि आपके प्रूफ में है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन मिलेगा आपको इस ऑप्शन में जो एड्रेस आपने फिल किया है उस एड्रेस पे आप कब से रह रहे हैं वो डेट आपको यहाँ पे फिल कर देनी है और अब तक की डेट यहाँ पे फिल कर देनी है। उसके बाद थोड़ा और स्क्रॉल डाउन करेंगे, नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा ऐड मोर देन वन एड्रेस हेयर एड्रेस। अगर आप आपने जो एड्रेस फिल किया है उस एड्रेस के अलावा कहीं और भी रहते हैं तो आपको उस नेक्स्ट एड्रेस को यहाँ पे फिल कर देना है नीचे वाले कॉलम में। अगर आप उसी एड्रेस पे रहते हैं तो आपको नीचे वाले कॉलम को ऐसे ही छोड़ देना है।
उसके बाद आपको नेक्स्ट ऑप्शन मिलेगा नेशनलिटी का, यहाँ पे आपको अपनी नेशनलिटी सेलेक्ट कर लेनी है। अगर आप इंडियन है तो इंडियन आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको नेक्स्ट ऑप्शन देखने को मिलेगा आधार कार्ड नंबर का, यहाँ पे आपको अपना आधार कार्ड नंबर फिल कर देना है। उसका थोड़ा और स्क्रॉल डाउन करना है, उधर नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा पुलिस स्टेशन का, इस ऑप्शन पर आपको क्लिक करके आपके घर के नियर बाय जो भी पुलिस स्टेशन है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। आपके सामने पूरी लिस्ट ओपन हो जाएगी। जब आप पुलिस स्टेशन सेलेक्ट कर लेंगे उसका नेक्स्ट ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा डिस्ट्रिक्ट का, ये ऑप्शन ऑटोमेटिकली आपका सेलेक्ट हो जाएगा जब आप पुलिस स्टेशन सेलेक्ट करेंगे। उसका थोड़ा और स्क्रॉल डाउन करना है, थोड़ा स्क्रॉल डाउन करने के बाद नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा पीसीसी टाइप का, यह इस ऑप्शन में आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना है और आपको ऑप्शन मिलेगा एम्प्लॉयमेंट का, आपको इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जब आप एम्प्लॉयमेंट पे क्लिक कर देंगे उसके बाद आपको नेक्स्ट ऑप्शन मिलेगा जेंडर का, आपको यहाँ पे अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, अगर मेल है तो मेल, अगर फीमेल है फीमेल, यहाँ पे मेल सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद आपको नेक्स्ट ऑप्शन देखने को मिलेगा नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पे आपको दिल्ली सिविल डिफेंस फिल कर देना है। उसके बाद आपको ऑप्शन मिलेगा एड्रेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मैंने आपको लिंक दे रखा है, जब आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे आपको एक फॉर्म डाउनलोड कर लेना है, उस पर आपका दिल्ली सिविल डिफेंस आपका ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा, उस पर एक एड्रेस लिखा है वो आपको यहाँ पे फिल कर देना है। और फ़ोन नंबर को आप चाहे तो फिल कर सकते हैं वरना से ऐसे छोड़ सकते हैं, उस में आपको फ़ोन नंबर भी मिल जाएगा। उसके बाद नीचे एक ऑप्शन मिलेगा आपको क्रिमिनल केस डिटेल, अगर आपके ऊपर कोई क्रिमिनल चल रहा है तो आपको यस करना है वरना नो पे क्लिक कर देना है। उसके बाद थोड़ा और स्क्रॉल डाउन करेंगे नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का, सबसे पहले आपको ऑप्शन मिलेगा अटैच फोटो, आपको यहाँ पे अपनी एक फ़ोटो अपलोड करनी है जिसका साइज 20 KB से कम होना चाहिए। उसके बाद आपको नेक्स्ट ऑप्शन मिलेगा सेलेक्ट द डॉक्यूमेंट फॉर रेजिडेंट प्रूफ, आपको यहाँ पे जिस एड्रेस पे आप रह रहे हैं वहाँ का आपको एक प्रूफ अपलोड करना होगा, चाहे तो आप बिजली बिल आप इस ऑप्शन पर क्लिक करके देख सकते हैं। आप यहाँ पर आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, इलेक्शन आईडी कार्ड, इलेक्ट्रिसिटी बिल, पासपोर्ट, यहाँ पर आप कोई सा भी डॉक्यूमेंट्स सेलेक्ट कर लेना है आपको, जैसे हम इलेक्ट्रिसिटी बिल को सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद आपको चूज फाइल पर क्लिक करके अपने इलेक्ट्रिसिटी बिल को अपलोड कर देना है। उसके बाद आपको नेक्स्ट ऑप्शन देखने को मिलेगा अटैच लेटर ऑफ एजेंसी रिक्वायरिंग पीसीसी, आपको मैंने इसका लिंक दे रखा है, वो एजेंसी लेटर ही है, उसमें आपको जो आपको मैंने ऊपर कॉलम बताया उसी को आपको फिल करना है, ऑर्गेनाइजेशन नेम और एड्रेस वो सब आपको इसी एजेंसी लेटर में देख के फिल करना है और उसको प्रिंट करा के उसको फिल करके आपको यहाँ पे अपलोड कर देना है। उसका थोड़ा और स्क्रॉल डाउन करेंगे आपको ऑप्शन मिलेगा ये इफ इट अटैच द रेंट एग्रीमेंट, ये आपका ये छोड़ देना, ये ज़रूरी नहीं है। उसका नेक्स्ट ऑप्शन आपको मिलेगा पे नाउ का, जब आप पे नाउ पर क्लिक करेंगे आपके सामने पे करने के ऑप्शन आ जाएगा, फ़ी आपकी यहाँ पे 250 रुपये लगेगी, वो आपको यहाँ पे करनी होगी। जब आप अपनी फ़ी पे कर देंगे बाद आपको एक रजिस्ट्रेशन आईडी मिल जाए जिससे आप अपना स्टेटस चेक कर सकेंगे। और मैं आपको बता दूं जब आप अपना रजिस्ट्रेशन कर लेंगे उसके 10-15 दिन के अंदर आपका पीसीसी बनके आपके ईमेल आईडी पे सेंड कर दिया जाएगा, तरीके से आप पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी हुई, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें इसी तरह की लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।